हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल सुहानी विद मम्मीज ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी बच्चे जगह हैं स्कूल और हम दोनों मीन्स सुहानी के पापा और मैं। तो अभी बच्चे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बना रही हूँ लंच के लिए प्रिपरेशंस। राइस यहाँ पे बिठाई हूँ, पहले से जल्दी खाना नहीं पकाती हूँ। एक्चुअली क्या है, जल्दी से पकाऊंगी तो ठंडा हो जाएगा, इसलिए बच्चे आने का जब जिस टाइम रहता है ना 15-20 मिनट, उसमें मैं खाना पका लेती हूँ, हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए चावल बिठाई हूँ, यहाँ पे बैंगन फ्राई, साई का फेवरेट। और देखिए मैं खुद ही अपना वीडियो देख के मैं खुश होती हूँ। कौन ऐसे रहते हैं अपना ब्लॉगिंग देख के खुश होते हैं, लेकिन मैं अपना खुद का ब्लॉगिंग देख के मैं खुश लगता है। कैसा रहा, कैसे क्या रहा, कैसे वीडियो बनाई हूँ देखती हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो, लाइक भी नहीं देते। फ्रेंड्स थोड़ा एक एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने से कैसे एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी लेवल, मतलब मुझे इतने सारे लाइक करते हैं, व्यूज आता है, मैं देखती हूँ व्यूज रहता है, तो व्यूज तो आते हैं, लाइक क्यों नहीं आता, मैं सोचती हूँ। मैं चुपके से देख लेते हैं, लाइक भी नहीं देते, क्यों, किस लिए मेरे साथ दुश्मनी है, आप सभी का क्या है, मुझे पता नहीं चलता। अपने ही लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं देते, अपने मीन्स अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मांगना मैं मांगूंगी, आप नहीं देना है मत दो, लेकिन मुझे भरोसा है मेरे फैमिली मेंबर मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, और एक एक लाइक मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए जरूर देंगे, खास करके मेरे लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स राइस बिठाई हूँ, पानी पूरा, देखिए आप लोगों के साथ बात करके के चावल का पानी सूख गया, तो यहाँ पे थोड़ा पानी दे रही हूँ, और उसको ढक दूंगी, गैस को सिम कर दूंगी, वो अपने आप पक जाएगा चावल। और यहाँ पे देखिए बैंगन फ्राई, मैं अभी जैसे कि आप लोगों को दिखाई, यहाँ पे फिश है, फिश फ्राई बनाऊंगी। और सुहानी तो ये फिश नहीं खाती है, बिग वाला फिश है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे करी बनाऊंगी, और मेरे लिए दाल तो है, और यहाँ पे देखिए सब्जी भी है, मेरे लिए हो जाएगा। और अब जैसे कि आप लोगों को पता है संडे के दिन आता है न्यू ईयर को नॉनवेज हम लोग मीन्स हमारे फैमिली जो भी है, हमारे फैमिली जो सुहानी साई सुहानी के पापा खा रहे हैं, वो लोग नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उस दिन हमारा उड़ीसा का फेस्टिवल है सांबा दशमी, सूर्य के पूजा देता है, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, वो अभी आप लोगों से शेयर करूंगी, वो वाला ब्लॉग भी जल्दी आएगा, तो ये वाला रखूंगी तो वेस्ट होगा, तो इसलिए आज ही सब बना रही हूँ, आज ही खा लेंगे आने के बाद। अभी स्कूल आने का टाइम हो चुका है बच्चों का, और सुहान के पापा क्या कर रहे हैं मैं आप चलो दिखाती हूँ। कहाँ से तो कब पूछ रहे किसके साथ बात कर रहे हो, क्या हुआ, आवाज आ रहा था, बात कर रहा था फोन पे बात कर रहे थे, मैं बोले अपने अपने गुनगुना के किसके साथ बात कर रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठी थी, उधर गई कि फोन में बात कर ली, मेरा ड्यूटी का टाइम अभी होने वाला है 4 बजे, तो 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 मेरे दो चीज कब करोगे काम, कब कौन सा काम, एक है ये जो की हैंगर है ये वाला, कब लगाओगे, 2 मिनट का खेल तो आप तो एक दिन दो दिन 24 घंटे का खेल बना देते हो, ये वाला, और मेरा घड़ी किचन का कब लगाओगे, घड़ी कल तो हम गए थे डिमांड के, भूल गए, हाँ तो मैं भूल गई, लेकिन ला देगा मेरे लिए, थैंक यू, घड़ी के लिए सबर का फिल मिठाई, जैसे सोना चांदी दे रहे जैसे बात कर रहे हो, कुछ हो रहे मुझे लगा, आगे चाहिए चाहिए क्या साहिल, क्या हो बेटा, चिट्ठी है तो सर, चिट्ठी है वो कोई मीठा बेटा चीज को डाला होगा, आगे होगा चिट्ठी, चल चिट्ठी आ जाओ, सो निकाल दिया ना, नहीं आराम से आराम से लगेगा, चिट्ठी की तो पैर है ना, बहुत प्यारा है, अंदर है बहुत ज़्यादा, चल चल मैंने खाया और स्कूल में क्या हुआ आज, पढ़ाई पूरा 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 क्लास हुआ, अरे वो एप्लीकेशन दे गया तुमने, बेटा ऐसे थोड़ी बोलते हैं, इसने दीदी बोला, दीदी नहीं आज आया थे क्या, वो आया था कुछ बोले, लेट के मैं बोल रहा था, चल जाते ही रोक रुकते हैं एयर में जाएंगे मामा, क्योंकि कौन मैम जो नहीं, वो बोले विदाउट माय परमिशन यू कांट मीट योर ब्रदर और सिस्टर, इसे बोले, तो आपको कुछ बोले नहीं ना आज, कोई भी बोले क्या, वो तीनों कुछ बोले नहीं, बोले ना तो क्या हो गया, बस ड्रेस चेंज करो, ड्रेस चेंज, उनके पापा कैसे लग रहा है खाना, आपके मन पसंदीदा सब चीज हुआ है, और फटाफट बनाई है या नहीं, मजा आ गया 20 मिनट में,
सुहानी हाँ कैसा लग रहा है खाना? यम्मी और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट बैंगन। अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग, और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए मैगी बिठाई हूँ और इन लोगों को मैगी दे दूंगी। मैं थोड़ा रील्स वगैरह, रील्स है शाम के टाइम थोड़ा टाइम मिलता है, मैं बना दूंगी, आधे घंटे में हो जाएगा। तो अभी रील्स बनाऊंगी और साई को पढ़ाने बिठाऊंगी, पहले इन लोगों को पहले मैगी दे देती हूँ। सुहानी तो कब से रास्ता देख रही है, मम्मी मैगी कब बनाओगे, क्या बना कब बनाओगे, वो दो बार आ रही है जा रही है। और अभी स्क्रीन क्यों डाले हो? बोलो क्या बोलो? फैशन इंस्टू ना मैं फैशन फैशन टू को एक्टर अरे बोलो ना अच्छे से। नहीं मुझे नहीं आता, को एक्टर प्लीज। एक्ट्रेस मम्मी, एक्ट्रेस आ जाओ। ये क्या है? ये क्या है? कैटवॉक तो करने दो ना। तो इसे पास में आके कौन कैटवॉक करता है? कैटवॉक ना कैटविंग, कैटवी। Hi guys, this is my fashion Mr. normal dress, but मैं एक हेयरस्टाइलिस्ट हूँ। ये मेरा नया हेयरस्टाइलिस्ट है। दिख रहा है? लोग इतना मारेंगे, इतना मारेंगे। सुहानी थोड़ा स्लिम ट्रिम हो, हो, हो। नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो इसको चीड़ा दिया तो कैसे गुस्सा हो रही मेरे ऊपर। मैं और ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, और नहीं बनाऊंगी। नहीं रे बेटा, आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं आपको अच्छे लगे बोल रहे हैं। नहीं और आप ना नहीं सुहानी एक दिन कम होके दिखाएगी आप सभी को। और सुहानी को ज्यादा चाहते हैं। अभी आज से क्या करेगी सुहानी ब्लॉग में तो शुरुआत करूंगी, और सुहानी उसके जो भी स्कूल में होगा, जो भी उसके दिन में जो भी गुजरेगा वो आप लोगों के साथ डेली शेयर करेगी। कैसे लगा ब्लॉग तो बताओ ना मुझे। बहुत ही अच्छा। मैं दिखा रही हूँ ये दिखाने के लिए क्यों भी करिए? एक रुपए तो लेकर घूम रहा है, तो दो रुपए नहीं दूंगे। एक रुपए जो है मैं ले जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। और अभी और इवनिंग का टाइमिंग, और मैं पढ़ाई के लिए बैठ चुकी हूँ। और अभी अभी बैठे बैठे आधा घंटा शायद हो गया होगा, मुझे याद आएगी कि हाँ मैं एक बार ब्लॉग कर लेती हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ जनवरी के टाइम में 7-8 आई थिंक सो, उस समय में ना एक कार्निवल होने वाला जो कि बहुत ही बड़ा होने वाला है, और हमारे स्कूल कुछ स्कूल्स को इन्वाइट्स भी करने वाले हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसका पोस्टर। दिस इज अ पोस्टर, और आप देख सकते हो कार्निवल कितना क्यूट से यहाँ पे 22 से 23 लिखा है। और यहाँ पे डिज्नीलैंड, फूड कोर्ट, गेम स्टॉल्स, फोटोशूट एंड सेल्फी कॉर्नर, ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग, मेहंदी कॉर्नर, टॉयलेट, मतलब एनी मोर, लाइक इतना सारा, इतना कुछ है यहाँ पे। मैनी मोर चीज़ें, ऐसे नहीं कि बस खाने का ही आपको आनंद नगरी होगा, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे खरे मतलब कुछ भी ऐसे बेच सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ है, ऐसा क्या है वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, वो तो मैं तब उस टाइम में आपको बताऊंगी क्यों मैं नहीं कर पाई। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा क्विक पढ़ाई, क्योंकि मेरा भी आधा हो चुका है और आधा करना भी है, और आई थिंक बहुत ज़्यादा समय हो गया, बट आई विल शो यू आउट दैट। डन विद माई होमवर्क, आई कम्प्लीटेड, मैंने कम्प्लीट कर लिया था, तो मैं फिर से नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं आपको मेरा डायरी दिखा देती हूँ, एंड सॉरी फॉर द मैस, ओके आई एम अ लिटिल मेसी वन। मैं अपने मेसी वाले आदत को चेंज करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, एंड आई एम इम्प्रूव्ड, मैं ज़्यादा मेस नहीं कर रही हूँ। और अभी मेरा पढ़ाई आने के बाद मैं रखूँगी और आपको एक सरप्राइज दूंगी, तो वीडियो अच्छे से देखो एंड तक, ठीक है? सो लेट्स शो माई डायरी टू यू गाइस। ओके सो दिस इज माई डायरी, एंड आई नो दैट मैं लास्ट पीरियड में लिखती हूँ, सो दिस इज व्हाट द हैंड रिटन केम आउट। सो दिस इज ऑफ थर्ड एंड फ्राइडे। सो यहाँ पे मेरे होमवर्क्स जो था वो सब है, अब मेरा रह गया इसका, और मैंने हिंदी का इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरा नोटबुक चेकिंग के लिए, आई नॉट गॉट दैट। तो मेरी सेफ्टी के लिए मैंने एक अलग नोटबुक में करके रख दिया, नहीं तो मुझे टीचर का डांट नहीं चाहिए इसलिए। तो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स करने थे, वो तो मार्क्ड होते तो वो मैं कर सकती हूँ, तो फिर ये सब करना। और डेली हमारा ना टीचर्स का या फिर सर्स का साइन होता है और करेक्ट यहाँ पे आता है, जिससे मैम जब भी चेक करते हैं, इंचार्ज मैम वो सब, तो उन्हें पता चलता है कि ये चेक्ड है सर से। दिस इज ऑल अबाउट माई होमवर्क, सो दिस इज माई टुडेज होमवर्क एंड आई विल कम्प्लीट इट। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपको कंप्यूटर का टेक्स्ट बुक दिखाओ, तो मैं आप सभी को कंप्यूटर का टेक्स्ट बुक दिखा। दिस इज माई टेक्स्ट बुक फ्रॉम आईटी स्पार्क, एंड ये हमें 6th स्टैंडर्ड से है, क्योंकि हमें 5th स्टैंडर्ड तक हमें अलग था। सो विच चैप्टर इज गोइंग नाउ, आई विल जस्ट शो यू आउट। सो 7 चैप्टर जस्ट फिनिश्ड, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर 8th chapter, which is artificial intelligence, and it is really interesting chapter. It's all about robots and human robots. और बहुत interesting chapter है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Actually, computer का period थोड़ा interesting भी होता है, but कभी कभी थोड़ा bore हो जाता है। मुझे आज तक bore तो नहीं हुआ, but mostly ना मुझे इसमें bore होता था, like what up, click on this and click on that. और मैं ना
क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए कभी कभी लेके जाते थे, बिकॉज हमेशा लाइब्रेरी में या फिर कंप्यूटर लैब में ना हमेशा 9-10 के बचे रहते थे, बट अभी हम भी जा पा रहे कभी कभार. दिस इज ऑल अबाउट मी एंड माई स्टडी एंड एवरीथिंग. और अभी थोड़ी देर में पापा मम्मी भी आएंगे, सो लेट मी शो यू कि साई क्या कर रहे हैं. सो साई यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है अपना. क्या पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा ये देखो यहाँ पे मैथ्स का कर रहा है. उसे मैथ्स में बहुत दिलचस्पी होती है, मैथ्स और अलग अलग सब्जेक्ट के में. कंप्यूटर में दिलचस्पी होती है इसका. कंप्यूटर ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हमें पढ़ाई से ज्यादा एक्टिविटी होता है. इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है, डिफाइन कर लो. डिफाइन कर लो इवन नंबर वो बोल रहा है 0, 2, 4, 6 और 8. हाँ, 2-2 नंबर आगे आता है. और 1, 3, 5, 7 जो कि बच जाता है वो ऑड वंस प्लेस में जो रहता है. ये वन नंबर है ना, ये नंबर वन प्लेस में आएगा. भाई दोनों प्लेस ठीक है आप ये नंबर स्कूल को वो आएगा ना बस वाला उसको सर्कल करना है. ओके ओके आप पढ़ाई करो. और मम्मी देखो यहाँ जैसे ही बैठी मम्मी यहाँ पे अलमीरा में अपना सामान रख रही है. और मम्मी के पास ऐसे टाइप के जो बुक्स रहते थे ना, मम्मी क्या बोलते हैं इसका, मैगजीन. हाँ मैगजीन बुक्स रहते थे ना, तो मम्मी अपने ओल्ड टाइम्स में बहुत पढ़ा करती थी मैगजीन जब मैं बहुत छोटी थी. अभी भी पढ़ते हो? बट बिकॉज ऑफ वी टू एक्चुअली हम हमारे अंदर दे रहे हैं. हम दोनों जब रहते तो आप परेशान हो जाते हैं सब रखने में, बट हम जब स्कूल चले जाते तो मम्मी आराम से बैठ के पढ़ती है ना. तो साई यहाँ पे बल्ले बल्ले कर रहा है क्यों? क्योंकि मेरा संडे आने वाला है. हाँ, और सैटरडे में तो बहुत मजा आएगा. क्योंकि दोनों दिन यहाँ स्कूल है. ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? एलियन की जैसे बोल रहे हैं ना. मैं एलियन हूँ. कौन? साई घोड़ा. एक्सप्रेशन को देख रहे हो कैसे से देख बोल रहा है. तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव चैट में थी, तो ऐसी बुक वगैरह निकाली थी ना, तो पढ़ी नहीं थी, बहुत दिन हो गए थे. तो यहाँ पे ना लिखे हैं कि 9 नुस्खे रखे खुश मिजाज रहने के लिए. 9 नुस्खे बिल्कुल क्या क्या है तो अभी पढ़ रही. तो लिखा है जान सुख तलाशना पहला है, दूसरा है स्वीकारना, और थर्ड है खुद की ट्रीट देना, और फोर्थ है रूटीन से ब्रेक लेना, और खुद को ना कोसना पांचवी, और छठवी कुछ लिखा है मन भावन की लिस्ट बनाना, सातवीं छोटे लक्ष्य के तय करना, और आठवीं एक प्राचीन बौद्ध कहावत, नौ है आखिरी में. मतलब आठवीं जो खुश मिजाज दिया है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. 9 खुश मिजाज है और पूरा बड़ा बड़ा है, तो पढ़ूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा. मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में अच्छे से पढ़ूंगी. अभी आठवीं जो खुश मिजाज नुस्खे है वो मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ. खुशी को महसूस करने के 4 तरीके, खुशी को महसूस करने के जैसे भोजन करना, सोना, ध्यान लगाना और अपने शरीर का ध्यान रखना, उसकी मालिश करना, नहाने और कसरत करना. इसके अलावा कुछ खेलों मसलन बैडमिंटन टेनिस टेबल टेनिस को अपने जीवन में शामिल कीजिए. मतलब थोड़ा गेम वगैरह करना, हमेशा खुश रहेंगी. कुछ भी खेलना शुरू कीजिए, बस अपने लिए वक्त निकालना होगा. तो थोड़ा टाइम के लिए वक्त निकालना होगा तो हम लोग खुशी मिजाज रह सकते हैं. कौन सा क्राफ्ट बना रहे हो? टैकोस. एक्चुअली जो टैको सेट था मैंने देखा, मैंने सोचा कि मैं इसके साथ क्रिएटिविटी करूं, तो मैं अभी हैंडमेड टाको सेट है. एंड मैंने अभी बना दिया है, क्वाशेस है. शो यू ये देखो ऐसे वाला. तो बनाओ, बनाने के बाद दिखा ना. नहीं ये पैकेट्स दिखा देती हूँ. ये देखो थोड़ा सा फट चुका है. जल्दी दिखाओ, मैं बिग बॉस देख रही हूँ. हाँ जल्दी आओ. बिग क्वाशे के अंदर क्या बताओ? जल्दी वहानी के पापा अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, तो फोन किए थे वो कुछ ला रहे हैं बच्चों के लिए. और मैं देखिए राइस कुक हो चुका है, रोटी बनाने वाली थी तो इन लोग नॉनवेज खाने वाले, तो राइस डाल बना रही हूँ, बना चुकी हूँ. और देखिए मैं बिग बॉस देख रही हूँ और सुहानी का बनाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी वो क्या बना रही है. तापो सब कुछ कुछ नाम है. और मैं सुहानी पापा लाने के बाद मैं जब बनाऊंगी डिनर में वो भी आप लोग देखिए. हम सुहानी के पापा का रास्ता देख रहे थे, सुहानी पापा आके ड्यूटी का यूनिफॉर्म भी उतारे नहीं, और बच्चों के लिए बना रहे क्या बना रहे हो? चिकन लेके आए हैं, तो चिकन करी बना रहे हैं. तो बोले कि मैं बना लूँगा बच्चों के लिए, क्योंकि नया साल में तो हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनेगा क्योंकि उस दिन पूजा है, तो नहीं बनना, तो आज बच्चों के लिए बना रहे. और चलिए सुहानी क्या बनाई है वो आप लोगों को दिखाएगी. सुहानी कर लिए आपका को टोपी पोपी क्या नाम है वो? टाकोस. टाकोस का है ये टाकोस है. हाँ, मैंने खुद से बनाया. क्या बोलते ये टाकोस? हाँ ये एक्चुअली इंडियन खाना नहीं है.
ये अमेरिकन है, अमेरिकन फूड या फिर अफ्रीकन, अलग विदेश का है कुछ। उस दिन देखी थी कुशी, आज नहीं कुशी, कुशी तो यहाँ कोई भी बनाता है। और ये टाकोस, टाकोस क्या क्या है इसमें? टाकोस में, टाकोस में ये टाको शेल्स है, तो मैं अभी इसमें से टाको सिलेक्ट करती हूँ। तो मैंने ये वाला टाको तो इसे लूंगी, और ये है मेरा पीकर इधर रखूंगी, एंड देन ये है ऑयल, ऑयल मैं इसे फ्राई करने के लिए पैन नहीं है मेरे पास, तो अब मैं क्या करूंगी इसमें कुछ ग्रीन स्टफ है, लाइक आप सोच सकते हो कुछ भी, मतलब ग्रीन सब्जी, स्पिनच एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड देन ये ऐसे, एंड देन बाद में हम लोग लेंगे कुछ रेड स्टफ, मतलब चिलीज, टमाटोज और एनीथिंग लेते हैं। और मुझे एक्चुअली मैं ज़्यादा अच्छा भी सजा सकती थी, पर मैंने नहीं किया बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई इट आउट, मैंने कर लिया ट्राई। फिर हम लोग डालेंगे बीन्स, पिंडा बीन्स, और बाद में हम लोग इसमें डालेंगे साल्सा सॉस। ये सब नाम सुन के मुझे भूख लग रहा है, लेकिन खा नहीं सकती ना। तो ये साल्सा सॉस, केचप, ओके कितना डालूं? ज़्यादा डाल देती हूँ, यम्मी है ना। फिर जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बोल रहा हूँ, दिखा लो जल्दी जल्दी। बाद में क्वेश्चन, चीज एक टाइप ऑफ श्रेडेड चीज। हेलो, आज कुछ भी मत खाओ, ये आपका डिनर है। ये आपका डिनर है, आपके टाकोस को मुबारक, और आपको भी मुबारक। हैप्पी गुड नाइट, बाय बाय। छोटे छोटे क्राफ्ट करना ठीक है, मुझे लगा कि कीड़ा फंस गया। तो मुझे छोटे छोटे क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, तो मैंने ये ट्राई किया, और मुझे पूरा मेस क्लीन अप करना पड़ा, नहीं तो मम्मी पापा बहुत डांटते, और पापा को तो भड़क भी नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये मेस करके रखा है, बिकॉज उनकी क्राफ्ट की, उनको छोटा छोटा क्राफ्ट का चीज़ें फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है। तो मैंने ये सब किया और यहाँ पे सब लोग रख दिया, और आप मुझे बताना कि ये टाको सेट कैसे बना था, और आप भी सब लोग ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड जानना है कि मैंने कैसे बनाया, तो फिर कमेंट्स में आप बोलो, तो मैं इसका एक मेकिंग वीडियो भी बनाऊंगी कि इसको कैसे बनाना, हमारे ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी चलो कर लेते हैं हमारे वीडियो को एंड, आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और बाय बाय।